वही लोकसभा के दूसरे चरण को लेकर भाजपा के तमाम बड़े शीर्ष नेता आज प्रदेश का दौरा करने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत योगी आदित्यनाथ का भी दौरा प्रदेश में ही होगा। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हर दिन हमारे यहाँ कुछ ना कुछ रचनात्मक बैठकें होती है। चुनाव को जीतने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है वह बड़े नेताओं के समक्ष और कार्यकर्ताओं को आपसी सहयोग से ही रणनीति बनती है। वही दूसरी ओर सीएम साय आज रायपुर से एमपी खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करने के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले सीएम साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा का मतदान था, बड़े शांतिपूर्वक रूप से बस्तर में 67% मतदान हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि बस्तर लोकसभा सीट बीजेपी ही जीतेगी। इसके तहत ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी रविवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी, जो कि दोपहर 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी। दोपहर 12:30 बजे कांकेर लोकसभा क्षेत्र के ग्राम हथोद में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन को लगातार पूरे संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ संगठन का काम, पार्टी का काम, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा पदाधिकारी और छोटा से छोटा कार्यकर्ता सभी लोग करते हैं। और चुनाव अभी चल रहा है, मोदी जी का चुनाव है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सब लोग पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं 23 और 24 तारीख को यहाँ कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आवश्यक रणनीतियों की दृष्टि से भी आवश्यक चर्चाएं और आवश्यक बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। तो ये काम पार्टी में लगातार चलते रहते हैं, अभी भी संजीदगी से किया जाएगा। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नेता हैं। आदरणीय अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी आज समाज, देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। इन लोगों के आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में मोदी जी की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है और हमारे और जो वरिष्ठ नेता हैं उससे उस सुनामी को और बल मिल रहा है।